साल 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों द्वारा अपने भविख को सुरक्षित करने लिए NPSEU कर्मचारी संघ ने बैनर हेठा पुरानी पेंशन योजना की बहाली ले लड़न वाले संगठनों द्वारा नवा गठन किया गया। पुरानी पेंशन योजना जाया करने लिए पंजाब सरकार के खिलाफ तहसील पद्धर उत्ते विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार की अर्थी फूक नुमाइश की गई। कर्मचारियों ने मंग की है कि उन्होंने विधायकों की तरह ही पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाए। पंजाब सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली लई कीती गई रिव्यू कमेटी के नोटिफिकेशन उत्ते एक साल के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके खिलाफ NPSEU कर्मचारी संघ के बैनर हेठा पुरानी पेंशन योजना की बहाली लई कर्मचारियों ने मानसा विच जिला सकत्तर के बाहर सरकार की अर्थी फूक नुमाइश की। कर्मचारियों को संबोधन करते हुए तरमिंदर सिंह ते परमिंदर सिंह ने दस्या कि सरकार द्वारा 2004 साल के बाद भर्ती होए कर्मचारियों उत्ते नवी पेंशन स्कीम लागू की गई है। यह स्कीम के तहत कर्मचारी की तनखाह विचों कट्टे जा रहे पैसे कारपोरेट घराणे के खाते विच जमा हो रहे हैं और मुलाजमान को इसका नुकसान हो रहा है। भी असी घर बैठ के मतलब व्हाट्सएप के उत्ते बैठ के मुर्दाबाद करी जावे या फेसबुक के उत्ते बैठ के मतलब कल पोस्ट पा के उत्ते मुर्दाबाद करी जावे लाइक दी जावे। उन्होंने कहा कि सरकार भी पिछले लंबे समय तो मुलाजमान इस मामले में नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 2004 के बाद भर्ती हुए मुलाजमान भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। कर्मचारियों ने मंग की है कि उन्होंने विधायकों की तरह पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाए। साड़िया जी जिहड़ियां पिछले समय तो लंबे समय तो मंग चल रही है, एक मंग है साड़ी पुरानी पेंशन बहाल दी, ते उहदे संबंध विच कहिंदे पंजाब दीआं दो सरमोर जथेबंदियां जिहड़ियां इहदे विच कम कर रही नेगियां वह CPF कर्मचारी यूनियन ते पुरानी पेंशन बहाली कमेटी, तो इन्होंने दोनों जिहड़ियां यूनियन एकत्र होकर NPS के नाँ ते जिहड़े ये लड़ रही नेगियां और तहसील पद्धर ते ये प्रोग्राम जिहड़े उलीके जा रहे हैं, क्योंकि सरकार आउण तो पहलां और बाद दे विच जिहड़ी है ये मुलाजमान नूं लारे लपे ला रही है कि तुहाडी जिहड़ी पेंशन दे संबंध विच है भी तुहाडी जिहड़ी पेंशन है वह बहुत छेती लागू कर दित्ती जाऊगी जां कमेटी गठित कर दित्ती गई है, पर हले तक कोई भी इस ते कार्रवाई नहीं हुई। सरकार जाण वाली है, सरकार का समा भी पूरा होने वाला है, पर इहदे ते एक भी पॉइंट है जिहड़ा वह कदम है जिहड़ा सरकार वल्लों नहीं पुट्टिया गया। हाँ जी, मैं परमिंदर सिंह पुरानी पेंशन प्राप्ति फ्रंट का जिला कन्वीनर। अज जिहड़ा ये पुतला फूकया गया कि वह पुरानी पेंशन की बहाली लैके फूकया गया, जिस तरह तुम जानते हो कि 2004 तो बाद जिन्हें भी मुलाजम भर्ती हुए उन्होंने नवी पेंशन स्कीम वो मतलब ना ही वह पेंशन स्कीम है पर पेंशन नहीं मिलनी, तो जोड़ा सारा मुलाजमान का फंड कट्टिया जा रहा महीने के महीने वह सारा कारपोरेट घराने को जा रहा वो कितने लग रहा है वो उन्होंने वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई भी जोड़ा है पक्के मापदंड नहीं है, तो मुलाजमान जोड़ा है नुकसान ही है उसू लैके असं चाहते हैं कि साड़ी जी पुरानी पेंशन जिम्मे पहला पुराने मुलाजमान मिलती है 2004 तो पहला वाले उमें सानू जिहड़ा हैगा पेंशन मिलनी चाहिए है, क्योंकि ये विच है भी जिहड़े नवें कर्मचारी रिटायर हो रहे हम 2004 तो बाद भर्ती होने वाले उन्होंने किसी की 1200 रुपया पेंशन लग रही है, किसी की 1500 लग रही है, जो कि जिहड़े पहला पेंशन लगती सी तां उह जिहड़ी लास्ट तनखाह मिलती सी उहदा अध लगता सी, मान लो जे किसी नूं 50,000 तनखाह मिलती सी तां लास्ट लगभग 25,000 रुपया उहदी पेंशन हुंदी सी, तां उहदे मुकाबले अज दे टाइम च ये 1,000-1200 रुपए से गुजारा करना मुलाजमान लई बहुत औखा हो जाऊगा, इस करके असीं चाहुंदे आ कि पुरानी पेंशन जिहड़ी बहाल होनी चाहिए है।